वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम वंस अगेन इन माई फिजिकल एजुकेशन क्लास। इससे पहले मैंने आपको सैम्पल पेपर जो आपका था सब्जेक्टिव असेसमेंट का, उसका मैंने बताया था, जो आपने एग्जाम दिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, कैसे आपने क्वेश्चन किए हैं आपको अंदाजा हो गया होगा, और किस तरीके से किए हैं, और जैसे आपने किए होंगे वैसे ही आपको मार्क्स भी मिलेंगे। इसके लिहाज से अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आपका नेक्स्ट चैप्टर जो फाइनल चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो मैं आपका कराने से पहले मैं आपका जो फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल है, जो आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या आएगा, किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी है। अभी जो नेक्स्ट जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल कॉपी, अपने प्रैक्टिकल जिस दिन होगा आपका उस दिन आपको आना होगा और ये प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी होगी। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीजें करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर वन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है कि आपके उस टेस्ट में आपको जो है आपका फिटनेस लेवल चेक किया जाता है और कुछ एक्टिविटीज होंगी और कुछ टेस्ट होंगे जो आपको कंडक्ट कराए जाएंगे और वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। वो टेस्ट आपको कंप्लीट करने हो, 6 मार्क्स का फिटनेस टेस्ट होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद सेकेंड आता है प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो कोई भी एक आपका जो मेजर गेम है वो हम आपको बताएंगे, कोई भी आपको एक मेजर गेम सेलेक्ट करना होगा और उस मेजर गेम की आपको स्किल आनी चाहिए, कितने आपका आप उस मेजर गेम के बारे में जानते हैं, क्या क्या आपकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, और कितना कमांड है आपका उस मेजर गेम पर, वो आपका 7 मार्क्स का होगा, जिसमें उस मेजर गेम की आपकी स्किल भी होनी चाहिए, स्किल भी आपके आपसे करवा के देखी जाएगी। इसके बाद आता है योगिक प्रैक्टिस, यानी योगा में आपसे कोई भी वो पोस्चर्स जो आप मेंशन करेंगे अपनी रिकॉर्ड फाइल में, उसमें आपको वो पोस्चर्स करके दिखाना होगा और वो पोस्चर उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ना कहके उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किसको नहीं करना चाहिए वो पोस्चर जो आप करके दिखाएंगे और उसके बेनिफिट क्या होते हैं और किस तरीके से करना चाहिए, ये आपका इसमें 7 मार्क्स का होगा। तो आपका 6 मार्क्स का आपका फिटनेस टेस्ट हुआ और आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स की स्किल आपकी 7 मार्क्स की हुई, 7 मार्क्स का आपका योगा का कोई भी एक आसन, शवासन या ताड़ासन मत करिएगा क्योंकि वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दिला पाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि जब आप प्रैक्टिकल के लिए आए तो ताड़ासन या शवासन या वज्रासन और या फिर ये समझ लीजिए कि आपको जो है आपने जो है सुखासन में अगर आप बैठ गए तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला पाएंगे। आपने अगर चक्रासन किया, धनुरासन किया, ऐसा आसन जिसमें आपने थोड़ी सी मेहनत की हो, आपको लगना चाहिए कि आपने तैयारी की है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 4 पर रिकॉर्ड फाइल, 5 नंबर की रिकॉर्ड फाइल होती है और रिकॉर्ड फाइल क्या होगी कैसे होगी ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन 5 नंबर की रिकॉर्ड फाइल है ये आपको अभी से तैयार करनी है और 5 मार्क्स की होगी, कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका 5 मार्क्स का वीवा वॉइस टेस्ट होगा, तो ये आपका वाइवा जो होगा ये 5 मार्क्स का होगा। तो मैं आपका जो टोटल 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स 7 मार्क्स, योगिक प्रैक्टिस या फिर ये कह लीजिए योगा पोस्चर आपका 7 मार्क्स एंड रिकॉर्ड फाइल 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाइवा। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी जो 30 मार्क्स की पूरी होती हैं और इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि योगा में जो पोस्चर आप करेंगे वो पोस्चर बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और जो भी एग्जामिनर आएंगे, जो भी एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेंगे, जाहिर है बाहर से ही आएंगे जो एग्जामिनर होंगे, वो हम लोग उनको असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के हाथ में जो मार्क्स होंगे वो दूसरे ही बंदा होगा, दूसरे कॉलेज का, दूसरे स्कूल्स का वो बंदा होगा, तो उसके सामने आपको जो योगा का जो पोस्चर करके दिखाना है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप अच्छा, जितना टफ या अच्छे तरीके से पोस्चर कर पाएंगे उसको,
तो उस आसन को उसी आसन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, आपके पास अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है तो प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से आपको आप परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे और यही आपका स्कोरिंग होगा। और मैंने देखा है कि जो अपने जो थ्योरी क्लास में जो आंसर्स दिए हैं वो बहुत, कुछ बच्चों के, सारे बच्चों के तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों के आंसर बहुत शॉर्ट हैं, तो जैसे आपके आंसर शॉर्ट होंगे तो वैसे ही आपके मार्क्स भी शॉर्ट ही होंगे। उसके लिए आप किसी तरीके की शिकायत ना करें और इतना ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से प्रैक्टिकल में भी होगा। तो प्रैक्टिकल को अगर आपने जितना सीरियसली लिया, जितना अच्छे से तैयार किया, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अगर नहीं तैयार कर पाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है। ठीक है, थैंक यू।